मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे आज से यहाँ वीक स्टार्ट होता है, संडे से यहाँ वीक स्टार्ट होता है, तो आज बहुत ज्यादा काम है मुझे। घी भी बनाना है, फिर खाना भी, अभी मैंने लंच बनाया नहीं है, हस्बैंड तो आज ऑफिस गए हुए हैं तो मुझे सिर्फ अपने लिए ही खाना बनाना है, वो है। फिर वॉशिंग मशीन लगाई थी तो कपड़े सूखने डालने हैं, मतलब एन नंबर ऑफ काम है आज। तो चलिए जल्दी से अपना काम स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर किया कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे, उसे पता होगा कि मैंने कल या परसों ही आम की चटनी बनाई थी, तो अभी तक मुझे मौका नहीं मिला है दाल चावल और आम की चटनी खाने का, तो मैं अभी वही बना रही हूँ, दाल चावल, और खाऊंगी उसे आम की चटनी के साथ। अगर आपने मेरा वो आम की चटनी वाला व्लॉग नहीं देखा होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो पहले दाल चावल, दाल धो लेती हूँ क्योंकि दाल भीग जाए ना तो जल्दी पक जाती है इस वजह से, तो मैं दाल धो लेती हूँ और फिर घी बनाने के लिए रखूंगी। बटर हम लेकर आए थे सुपरमार्केट से, तो बस उसे गर्म ही करना है ताकि घी बन जाए। मुझे ऐसे नए नए शौक लगते रहते हैं, ये शौक कितने दिन चलने वाला है घी बनाने वाला पता नहीं, पर अभी कुछ टाइम के लिए तो है, तो घी बनने भी रख देते हैं। ये मैं दो बॉक्स चावल घी लेकर आई हूँ, तो करीब 1 किलो से ज्यादा ही है ये घी, करीब करीब 1.25 किलो है ये बटर। तो बस मैंने गैस चालू कर दिया है और ये घी मैं बनने रख दूंगी। आज वैसे मैं नॉनस्टिक में ये घी नहीं बनाने वाली थी, पर हुआ ये कि जो मेरी स्टील की कढ़ाई है ना वो छोटी है, उसमें इतना सारा बटर अकोमोडेट नहीं हो पाएगा, तो मैंने सोचा चलो इसी में बना लेते हैं। ये वाला जो ब्रिक है ये मैं पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा बचा लूंगी, ब्रेड वगैरह के साथ बटर लगाकर खाने में अच्छा लगता है, तो वो मैं बचा लूंगी उतना जितना मुझे चाहिए है। बस ये अब धीरे धीरे मेल्ट होता रहेगा और इसका घी बनने तक इसको गर्म करेंगे। घी कैसे बनता है सबको पता है तो वो बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने जो फॉरेन में रहते हैं और उन्होंने घी कभी बनाया नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में तो मम्मियाँ ही घी निकालती है ना, तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने घी भी निकाला है, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया, और अब मैं चावल भी थोड़ी देर के लिए भिगो के रख लूंगी ताकि चावल भी अच्छे से बन जाए। मक्खन मेल्ट होते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये येलो येलो कलर आ जाता है, और ये ना प्योर गाय का दूध का मक्खन है तो इसका घी भी बहुत अच्छा बनता है, इसलिए मैंने अभी ट्राई किया कि मैं 2-3 बार से घर पे ही घी बना रही हूँ।
ऐसे लग रहे हैं ना जैसे कोई ग्लेशियर को समंदर अपने अंदर समा ले रहा है। कल्पना है ना ऐसा, जैसे आइस का पहाड़ हो और वो समंदर में विलीन हो रहा हो। चावल भी मैंने धो के रख लिया है और इसको मैं पसा कर बनाऊंगी। हमारे छत्तीसगढ़ में पसा के बनाना बोलते हैं ना, और जो पानी निकलता है चावल से बनने के बाद उसे बोलते हैं पसिया। गर्मियों में तो बस एक ही काम होता है, फ्रूट्स कट कर लो, कुछ ठंडा बना लो, कुछ ठंडा खा लो। मतलब गर्मियों में एक तो भूख भी नहीं लगती है और बस ये होता है कि कुछ हल्की फुल्की चीज़ खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस मैं आज भी फिर वाटरमेलन लेकर आई हूँ, तो क्लिंग फॉइल मैंने बिछा ली है ताकि कुछ भी गंदा ना हो। और यहाँ पर घी बन रहा है सिम में, मतलब सिमर गैस की आंच बहुत सिम पे है। तो बस तब तक मैं ये वाटरमेलन कट करके रख ले। एक साथ दो तीन काम होते रहें तो काम जल्दी फिनिश होता है, वरना लेडीज़ के काम तो कभी फिनिश होंगे ही नहीं। तो घी भी बन रहा है तो साथ साथ मैंने वाटरमेलन भी चॉप करके रख लिए हैं ताकि जब भी ज़रूरत हो हम ये खा सकते हैं। और वाटरमेलन का ना जूस भी बहुत अच्छा लगता है, किसी दिन मैं आपको इसका जूस भी बनाकर दिखाऊंगी। बहुत टेस्टी लगता है इसका जूस और हेल्दी भी होता है। देखिए यहाँ जो वाटरमेलन आता है उसका वाइट पोर्शन बहुत कम होता है, तो ना मतलब वेस्टेज भी बहुत कम होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इनका। और हमारे छत्तीसगढ़ में वाटरमेलन को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कलिंदर हो गया चॉप, पर आई थिंक इसको किसी और भी डब्बे में डालना पड़ेगा। तो नहीं, आ गया इसी में। इसका मैं ढक्कन लगा देती हूँ कि इसका ढक्कन मैंने खा ली। थोड़े बड़े बड़े पीसेस मैंने कर दिए ना, इस वजह से ऐसा हो गया था। एनीवेज आ गया है इसमें, तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा बचा था ये तो मैं अभी खा लूँगी और बस काम ख़त्म। ना काउंटर टॉप गंदा हुआ ना कुछ। और उबल रहा है तब तक मैंने चावल भी बनने रख दिए, वरना खाना बनने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तब तक कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डले हुए हैं जो कि धुल गए हैं, तो अब ये हम सूखने डालेंगे। अब बस 5 मिनट और लगेगा और घी बिल्कुल बन जाएगा। ये जो जितना भी मिल्क सॉलिड है ना ये खुद से नीचे बैठ जाएगा, तो बस समझ लो कि घी बन गया और चावल भी पक रहा है। बस घी बन जाए फिर मैं दाल भी चढ़ा दूंगी गैस पर। अभी इसलिए नहीं चढ़ा रही हूँ क्योंकि ये घी मैं भगवान के दिया के लिए बना रही हूँ ना, तो उसमें फिर छींटे आएंगे अगर दाल के कुकर की सीटी बजी तो, इस वजह से मैं वेट कर रही हूँ। बस घी बन गया है, अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसको इसी तरह ठंडा होने देंगे, फिर छान देंगे। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम इसको पकाएंगे ना तो घी थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाएगा, इसलिए बस यहीं बंद कर देंगे इसको और ठंडा होने का वेट करेंगे। दाल भी उबल गई थी तो मैं दाल का बघार घी में लगाती हूँ, तो घी में ज़ीरा डाल दिया और इसमें हींग ज़रूर डाला कीजिए। जब आप दाल बघारते हैं तो हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
और फिर इस बार मैं वो शैलॉट्स भी लेकर आई थी, जो केरला वाली प्याज होती है ना छोटी छोटी, तो उसका बघार दे रही हूँ मैं आज। और ये है मेरा आज का लंच, दाल चावल, आम की चटनी, दही वाली मिर्ची और मूली। आइए आप लोग भी मेरे साथ लंच कर लीजिए। लंच करते तक घी भी ठंडा हो गया था, तो बस अब इसे छान लेते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ, पहले मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं डायरेक्ट कढ़ाई से डालूंगी तो घी गिर ना जाए, बट फिर मैंने हिम्मत की ये दो बार डालने के बाद फिर मैंने कढ़ाई से डाला और फिर मतलब वो गिरा नहीं घी। देखिए कितना अच्छा घी बना है ना, और ये इतना थोड़ा बाकी है तो मैं इसको डेली यूज वाली जो मेरी घी की घंटी है उसमें खाली कर लूंगी। अभी भी काफी काम बाकी है, अभी मुझे बेडशीट चेंज करनी है, पर व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, मा सलामा।